नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक था राजा और एक था रंक। राजा बहुत मोटा था और रंक बहुत पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था और रंक हमेशा खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था और रंक सबसे मीठा बोलता था। राजा के बहुत शत्रु थे और रंक के बहुत से मित्र थे। एक बार राजा का दूसरे राजा से युद्ध हो गया तो डर के कारण वह महल के ऊपर जाकर छिप गया, क्योंकि राजा बहुत डरपोक था और रंक नीचे ही खड़ा रहा, क्योंकि वह बहुत निडर था। राजा के शत्रुओं से हार हुई और रंक की जीत हुई। बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि कुछ शब्द काले रंग से लिखे गए हैं, जैसे राजा रंक, मोटा पतला, उदास खुश, कड़वा मीठा, शत्रु मित्र, ऊपर नीचे, डरपोक निडर, हार जीत। ये सारे शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। इन्हें व्याकरण की भाषा में विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को जानते और समझते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वे उल्टे अर्थ वाले अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: बड़ा छोटा, गरम ठंडा, मोटा पतला। आओ दोहराएं। नंबर एक, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वे उल्टे अर्थ वाले अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। नंबर दो, पूरब पश्चिम, दिन रात, छोटा बड़ा आदि विलोम शब्द हैं। आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। नंबर एक, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे लड़का का उल्टा क्या होगा? लड़की। अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा, बड़ा का छोटा, गर्म का ठंडा। नंबर दो, दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं, आपको उनको मिलाना है। जैसे हल्का का उल्टा होगा भारी, तो हम हल्का को भारी से मिला देंगे। आधा, आधा का उल्टा होगा पूरा। मित्र, मित्र का होगा शत्रु। प्रश्न, प्रश्न का उल्टा होगा उत्तर। अपना, अपना का उल्टा होगा पराया। नंबर तीन, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने स्माइली फेस का चिन्ह बनाइए। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है पीले रंग से लिखा हुआ है, उसका उल्टा अर्थ कौन सा शब्द है उसके सामने आपको ये स्माइली फेस बनाना है। जैसे धूप, धूप के सामने दो शब्द दिए गए हैं, एक है तेज और दूसरा है छांव। तो धूप का उल्टा क्या होगा? छांव। तो हम छांव के सामने स्माइली फेस बनाएंगे। उल्टा, उल्टा का
विलोम क्या होगा? अच्छा होगा कि सीधा? यहाँ पर होगा सीधा। सीधा के सामने हम स्माइली फेस बनाएंगे। सस्ता, सस्ता का विलोम शब्द क्या होगा? महंगा। महंगा के सामने हम स्माइली फेस बनाएंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।